आज में कोरोना संक्रमण के बढ़ते स्थिति पर हमारी नज़र बहुत पहले से ही थी और जैसे कि हमने कहा है इस पर कि हमें हमारी कड़ी नज़र है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा सरकार निर्णय लेते जाएंगी किन किन चीज़ों की प्राथमिकता है, क्या किन चीज़ों की आवश्यकता है, उन पर निर्णय लेते हुए आगे बढ़ेगी। और आज हम लोगों ने विशेष आपदा बैठक आज हमने किया और चूंकि हम लोग एक एक व्यक्ति तक संक्रमण की तलाश करने की सोच रखते हैं और आज यही वजह है कि राज्य में सैंपल का कलेक्शन बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है और मशीनें उस तरीके से रिजल्ट देने में सक्षम नहीं हो पा रही। हालांकि आज लगभग सभी जिलों में कोरोना टेस्टिंग का सेंटर बना हुआ है, लेकिन आज के इस बढ़ते संक्रमण में वो कम प्रतीत होता है। इसलिए हमने आज ये निर्णय लिया कि दो कोबाश मशीन राज्य सरकार खरीदेगी और जो सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं उन सैंपलों का सही सही रिजल्ट और जल्द से जल्द रिजल्ट लोगों को उपलब्ध हो। साथ में 6 RT-PCR लेबोरेटरीज बनाने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। रांची, जमशेदपुर, बोकारो, चाईबासा, गुमला और सिमडेगा और साहेबगंज में जो माननीय सांसद विजय हांसदा जी के सांसद फंड से बन रहा लेबोरेटरीज, जिसकी क्षमता थोड़ी कम थी, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार उसमें अतिरिक्त उसमें राशि उपलब्ध कर उस सेंटर को बढ़ाया जाएगा। रिम्स के अंदर 110 नए ICU तैयार करने का निर्देश दिया जा चुका है और 750 डेडिकेटेड ईयरमार्क कोविड के लिए रिम्स में बेडों को चिन्हित किया गया है। साथ में रांची में बढ़ते दबाव के कारण, कोरोना दबाव के कारण सब लोग चूंकि रांची में अपने इलाज रिम्स में कराना चाहते हैं, अपने सहयोग, अपना एक अतिरिक्त हैंड्स बढ़ाने के लिए रामगढ़ में CCL का 150 बेड का अस्पताल को सरकार कोविड के लिए उपयोग में लाएगी और रिम्स और जो रामगढ़ के लोग इधर आते हैं, हजारीबाग के इधर आते हैं, उन सब लोगों को उसके ही इर्द गिर्द रिम्स के देखरेख में मेडिकल सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई है, अभी चर्चाएं जारी है, कल भी इस विषय पर हमारा चर्चा जारी रहेगा। जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है,
जिस तरीके से केंद्र सरकार के कई निर्णय आ रहे हैं, उन सभी को ध्यान में रख करके कल संभवतः कुछ और निर्णय मजबूत से लिया जाएगा। जैसे CBSE के एग्ज़ाम को केंद्र सरकार ने पोस्टपोन किया है, तो हमें भी देखना होगा कि 10th और 12th की जो हमने क्लासेस प्रारंभ की थी, उनको किस तरीके से संचालित किया जाए या ना किया जाए। इसके अलावा राज्य में कई परीक्षाएं होनी हैं, उन सब पर हमें निर्णय लेना होगा, क्योंकि संक्रमण अभी उसकी गति जो मुझे आकलन लगता है, हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं, केंद्र सरकार ने यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के लिए स्पेशल ट्रेन, महाराष्ट्र पुणे से चलाया है। इससे संभवतः हमारे यहाँ संक्रमण की संख्याएं बढ़ेंगी। उन सब का कल आकलन करते हुए कल का निर्णय जो आएगा वो आपके समक्ष रखा जाएगा, निर्णय लेंगे। हमें अभी हमने पहले ही कहा कि ये आज हम लोगों ने कुछ चीज़ों पर, क्योंकि अब निर्णय लेने की गति बढ़ानी होगी और थोड़ी इस संक्रमण का दायरा है, उस दायरे का आकलन मजबूती से करना होगा ताकि सही निर्णय लिए जा सके।